नमस्कार, मैं हमजा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देश को 3 साल में मिलेगी टिल्टिंग ट्रेन, घुमावदार ट्रैक पर भी रहेगी हाई स्पीड। देश में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए जारी कवायद के बीच अगले 3 साल में पहली टिल्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग 100 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण में किया जा रहा है। ये ट्रेनें घुमावदार रास्ते पर मोटर बाइक की तरह तेज गति से मुड़ने में सक्षम होगी। सरकार की योजना अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने की है, जिनमें से 100 ट्रेनों में टिल्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। टिल्टिंग तकनीक वाली ट्रेनों में उच्च गति के लिए सक्षम बनाने वाला एक तंत्र लगाया जाएगा, जो पटरियों पर मोड़ आने पर तालमेल बना लेता है। इस प्रकार की ट्रेनें 11 देशों में चल रही हैं, जिनमें इटली, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, फिनलैंड, रूस, चेक गणराज्य, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और रोमानिया शामिल हैं। राजस्थान कांग्रेस का संकट खत्म करेंगे केसी वेणुगोपाल, 29 नवंबर को जाएंगे जयपुर। दिसंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की राजनीतिक कलह कांग्रेस नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बताया जाता है कि गहलोत और पायलट के बीच विवाद का समाधान करने की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई है। वह 29 नवंबर को जयपुर जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट से वार्ता करेंगे। इसके साथ ही वेणुगोपाल राज्य के कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी मिल सकते हैं। हालांकि केसी वेणुगोपाल का कहना है कि राजस्थान में कोई संघर्ष नहीं है, राजस्थान कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाएगी। जियो ने पेश किया 395 रुपए का आकर्षक प्लान, 84 दिनों की वैधता के साथ डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ। टेलीकॉम कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान पेश करती रही हैं। इसी कड़ी में जियो ने 395 रुपए का प्लान पेश किया है, जिसकी वैधता 84 दिनों की है और इसमें कुल 6 GB इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ मिलता है। इस 6 GB डेटा की वैधता 84 दिनों की होती है। हाई स्पीड डेटा लिमिट खत्म हो जाने पर स्पीड 64 KBPS तक कम हो जाती है। इसके साथ ही जियो के 395 रुपए वाले प्लान में 84 दिनों की वैधता के साथ 1000 SMS की सुविधा मिलती है। इसके अलावा जियो सिनेमा, जियो क्लाउड, जियो टीवी जैसे एप्स का फ्री यूज किया जा सकता है। कनाडा में भी चीन का थाना शुरू होने का दावा, सरकार ने शुरू की जांच। अमेरिका और नीदरलैंड के बाद कनाडा पुलिस ने भी कथित चीनी पुलिस थाना संचालित होने की खबरों के बाद जांच शुरू कर दी है। कनाडा पुलिस ने कहा कि ग्रेटर टोरंटो इलाके में चीनी पुलिस थाना संचालित होने की सूचना के बाद जांच की जा रही है। कनाडा से पहले नीदरलैंड और अमेरिका ने इसी तरह की जाँच शुरू की है। वहीं चीन का कहना है कि ये पुलिस थाने नहीं बल्कि चीनी नागरिकों की मदद के लिए हेल्प सेंटर है। दरअसल यूरोप की मानवाधिकार संस्था सेफगार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया के कई बड़े शहरों में चीनी पुलिस सर्विस थाने संचालित किए जा रहे हैं। इन थानों का उद्देश्य विदेश में रहने वाले ऐसे चीनी नागरिकों और उनके रिश्तेदारों पर वापस लौटने का दबाव डालना है जिन पर किसी तरह का मुकदमा चल रहा है। युद्ध के बीच सर्दी में ठिठुर रहा यूक्रेन, बिजली आपूर्ति ठप होने से बड़ी समस्या। एक ओर जहां रूसी हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं, तो वहीं सर्दी बढ़ने और बर्फबारी के बीच स्थानीय लोग ठिठुर रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में -2 टेम्परेचर पहुंच गया है और अगले 20 दिन में पारा -30 तक पर पहुंचने की संभावना है, लेकिन बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण यहां घरों में सेंट्रली हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। साल के 4 से 6 महीने तक यहां बर्फ के सिवाय कुछ नहीं होता। रूसी हमलों के कारण यूक्रेन के ज्यादातर पावर प्लांट तबाह हो गए हैं और लाखों घरों में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही रूसी हमलों में घरों के खिड़की दरवाजे तक टूट गए हैं। ऐसे में सर्दी ने समस्या और बढ़ा दी है। यूक्रेन के गांवों में तो लोग लकड़ियां जला रहे हैं, लेकिन शहरों में अलाव भी संभव नहीं हो पा रहे हैं। एक्टर मनोज बाजपेयी ने दिया सरप्राइज, जल्द लौट रहा है मुंबई का किंग भीकू महात्रे।
बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हर किरदार से दर्शकों का दिल जीता है। उनका ऐसा ही एक किरदार फिल्म सत्या में भीकू महात्रे का था, जिसने सबका ध्यान खींचा था। अब मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट से भीकू महात्रे की फिर याद दिला दी है। मनोज बाजपेयी ने हाल ही में अपने इंस्टा अकाउंट पर एक प्रोमो वीडियो शेयर कर लिखा है कि सत्या का भीकू महात्रे फिर लौट रहा है। इसमें उनका इंटेंस लुक देखकर फैंस काफी हैरान है। प्रोमो वीडियो में मनोज बाजपेयी के हाथ में सोने की घड़ी और बंदूक नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।